हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई एम नीलू एंड यू आर वाचिंग तड़का विद स्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आए हैं, बल्कि लेकर आए हैं मैकेन्स की आलू टिक्की का एक ट्रू रिव्यू। आपको हमारा स्पिनैच मैगी रिव्यू बहुत ही पसंद आया था, तो कमेंट्स आए थे कि और भी इस तरह के रिव्यूज हम आपके लिए लेकर आए, ताकि कुछ भी चीज खरीदने से पहले आपको उसका आइडिया लग जाए। तो आज हम लेकर आए हैं मैकेन्स की आलू टिक्की और झटपट इससे बनाएंगे बर्गर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें उससे पहले हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये है मैक आलू टिक्की एंड इस पे लिखा है 400 ग्राम्स, और टिक्की जो लगभग इसमें हमें मिलेगी वो है 12,105 इसकी है प्राइस। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि अचानक बच्चे बर्गर खाने की जिद करते हैं और कोरोना चल रहा है, तो हेल्दी बर्गर घर पे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसे अनपैक करते हैं। कृष्णा, लेट्स अनपैक इट। श्योर। और इसकी क्वालिटी और ये सब बताइए हमारे व्यूअर्स को। तो देखिए कितनी परफेक्टली डन ये आलू टिक्की लग रही है। तो चलिए फटाफट से सारी प्लेट में रखते हैं। सभी आलू टिक्कीज को हमने अनपैक कर दिया है, और देखिए कितनी परफेक्ट इसका शेप और तलने के बाद पता पड़ेगा कि कितनी क्रिस्पी ये है। तो चलिए लेट्स फ्राई इट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्राइड आलू टिक्की तैयार है, और मैं आपको जूम करके बताती हूँ कि कितनी क्रिस्पी ये लग रही है। तो यस, परफेक्ट टेस्ट आपको इसका आने वाला है, तो जरूर से इसे ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम इन सभी चीजों को असेंबल करते हैं और तैयार करते हैं हमारा टेस्टी बर्गर। तो हमने यहाँ पे लिया है अनियंस, देन टोमेटोज, और ये है हमारी सीक्रेट मेयो। तो यदि आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। और मैकडी का सेम बर्गर रेसिपी विथ टिक्की एंड विथ मेयो सॉस हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बर्गर। तो कृष्णा, बताइए कैसे बनाना है बर्गर। ओके, सो ये एक बर्गर है जिसको हमने टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो अब ये हम इसका नीचे का वाला पीस लेंगे। तो अब हम इससे पहले हम इसमें थोड़ी सी मेयो स्प्रेड करेंगे। तो ये मेयो आपने टेस्ट करी कृष्णा, क्या यह बिल्कुल मैकडी जैसी लग रही है? ये डिट्टो मैकडी जैसी है भाई, मैं तो मतलब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। देखिए, तो जरूर से अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट करना मत भूलेगा। सो गाइस, अब हमने बर्गर पे मेयोनीज लगा दी है, तो अब हम इसमें लगाएंगे टिक्की। तो गाइस, ये हमने लगाई है टिक्की। अब हम लगाएंगे इसमें ऑनियन, और इसमें लगाएंगे एक टोमेटो। तो गाइस, अब ये ले लिया, अब इसकी जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें हम लगाएंगे मेयोनीज। वाओ कृष्णा, तुमने तो ये लॉकडाउन में बिल्कुल मैकडी का बर्गर तैयार कर लिया है। और गौरी वेट कर रही है बर्गर के लिए, जल्दी बनाओ। ओके, और इसे करेंगे प्रेस। एंड वाओ, सो टेम्प्टिंग। सो देखिए गाइस, लग रहा है ना एकदम मैकडी बर्गर विद प्रोफेशनल आलू टिक्की। तो जरूर से इसे ट्राई करिएगा, और आपको बाय-बाय बोले उससे पहले इसका ट्रू रिव्यू लेते हैं गौरी से। सो लेट्स गो। तो सर्व करने से पहले इसे करते हैं माइक्रोवेव फॉर 20 सेकेंड्स, एंड इट्स डन। सो कृष्णा ने बनाया है बर्गर और गौरी इसका देगी रिव्यू। सो हाय करिए हमारे व्यूअर्स को। सो गौरी, कैसा लग रहा है ये फर्स्ट बर्गर रिव्यू के लिए तुम्हें मिल रहा है? मैं वेरी एक्साइटेड। ओके, खाने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। जल्दी हो रही है तो मतलब ये बोलने में ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो चलो कृष्णा, दीजिए गौरी को और ये टेस्ट करके बताएगी। ये हमारा टेम्प्टिंग बर्गर, और ये बना है कि नहीं बना है एकदम मैकडी जैसा बर्गर। सो गौरी, वेरी टेस्टी। ओके, और ये कृष्णा भी, हमने जो बर्गर बनाया है, मैं अच्छा मैकडी का बर्गर नहीं मंगाऊंगी। पक्का? ये सिर्फ रिव्यू के लिए तो नहीं बोल रही हो तुम? नहीं, ऐसे तो मैकडी की सेल कम हो जाएगी। बट यस गाइस, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो आप ये बर्गर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का अभी अवॉइड करना में ही समझदारी है। तो चलिए रिव्यू को करते हैं खत्म, ताकि गौरी भी ये बर्गर खा सके। क्यों गौरी? सो मिलते हैं फिर यहीं तड़का विद स्टाइल पर एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, और याद रखिएगा, लाइफ इज ब्यूटीफुल। बाय बाय।